बहु मिले बहु नहीं भिक्षा मांगता फिरता है राजपाट और साथ में बहु भी मिलेगी दादा मुझे तो दो मुट्ठी चून चाहिए अच्छा हाँ सुन मेरी बात बोलो होतने राजपाट और बहु मिले ए मन साधु तंग करे ना अच्छा कोई सुथरा राज कमारे ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना कोई सुथरा राज कमारे ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना सुथरा राज कुमार ढूंढ गई भक्ति भंग करे नारी गई सुथरा राज कुमार ढूंढ गई भक्ति भंग करे सबर करूं थोड़े से आसन पे मेरा दो रोटी का चून सबर करूं थोड़े से आसन पे तेरी टहल करूं बाबा सर कह सिंहासन पे तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे और मेहर करो सत्यानासन पे मेहर करो सत्यानासन पे तू मन तंग करे ना हे कऊ महात्मा साधु गल्या कदे पियंग करे ना तराज पाटे और बहु मिले साधु तंग करे ना कोई सुथरा राज कुंवार ढूंढ मेरा कत्ल करेगी अरे तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगी तुम्हारी तो सेवा करूंगी सेवा नहीं करेगी थोड़े तुम रखेगी अच्छा फिर भगा देगी नहीं तो सुन हाँ। मैं शादी भी कर लूं हाँ। इसमें मेरा क्या फायदा है देख शादी के नाम से दादा भी देख ले पूरे मुंह से हंस रहा है जो तिलक लगा रखा है और सुनो पूर्णमल जी हाँ कहिए चूड़ी 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 शादी कर लूं इसमें मेरे का फायदा है शादी
ये जो भिक्षा मांगते फिरते हो ना, हाँ, आज से भिक्षा मांगना बिल्कुल बंद। अच्छा, हाँ, राजपाट के मालिक बन के रहो। सुनो, हाँ, मने राजपाट का मालिक मत बनावे। क्यों? मुझे तू इंडियन पोटास की, अच्छा, हाँ, एजेंसी दिलवा दे। सच्ची? बिल्कुल। तने उसमें भी दिलवा दूंगी। दिलवा देगी? बिल्कुल दिलवा दूंगी। हाँ, सुन ले मेरी बात। जब तू मुझे इंडियन पटास की एजेंसी दिलवा देगी, डीलरशिप दिलवा देगी, बिल्कुल दिलवा दूंगी, तो फिर मैं किसानों का, हाँ, घर घर जाके, अच्छा, भला भी करूंगा। अच्छा, हाँ, और ब्याह भी कर लोगे? वो तो फिर देखा जाएगा। दुनिया भर में घूमने के बाद जब मिले हो पूरणवंशी, इस गढ़ के मेले में, हाँ, इंडियन पोटास में आई है तू? बिल्कुल आई हूँ। अच्छा, हाँ, कहिए दोबारा। क्योंकि मैंने नाम सुना है, चर्चा सुनी है। चर्चा सुनी है? सुनिए मेरी बात, कहिए। सुनो, मैं दुनिया भर में घूम लई, मिला तेरी सानी का। अरे के करना, अरे के करना, जिब लकड़ गया इन आँखों के पानी का। ओ, के करना, जिब लकड़ गया इन आँखों के पानी का। तेरे चरण दबाऊ संत को, राजा बड़ाड़ी का। मन तेरे नगर में, मन तेरे नगर में, भस्म करे डर दुर्गो रख ज्ञानी का। मन तेरे नगर में, भस्म करे डर दुर्गो रख ज्ञानी। यो तो मर्जी का, यो तो मर्जी का, सोता हो सत दे। हाँ, हम तो साधु संत हैं। अच्छा, हमारा शादी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, सुनो मेरी बात, कहिए। हाँ? मुझे खाना चाहे। अच्छा। तुझे ना खाऊंगी, तुझे तो यहाँ रखूंगी। देख सुन, हाँ, से पहले देख मेरा चाचा बिल्कुल छोर आई हो। बिहार से पहले? हाँ, बिहार से पहले देख, ये जो दादा बैठा, हाँ, बिहार से पहले छोर आई हो। फिर अब क्या? और बिहार करके देख कैसे बनेगा, देख बत्तख से। मैं बिहार नहीं कराऊंगा। तो बिहार के बना कोई ना पूछता न्यू
करते छुट्टल घूमता छुट्टल। अच्छा ये सुन ले तन सत्रह सौ जोगी मारे कोई ऐसी बना पहेली तन सत्रह सौ जोगी मारे कोई ऐसी बना पहेली पश्चाताप करु जीवन भर तू रचवा साते हथेली मैं कान फटा के मैं तो मूड मुड़ा के क्या करवा लू तो मूड नहीं एक देरी मत कान परा करी साल से थी और आज मुझे वो नजर मिल ही गई। अच्छा हाँ मुझे दो मुट्ठी चून चाहिए। अरे चून छोड़ बाबड़े राजपाट बहु और साथ में बहुत कुछ मिलेगा। सुनो हाँ मुझे बहुत कुछ मत दे। अच्छा तू तो मुझे एक पोटास का पट्टा ही उठवा दे बस एक ही। हाँ एक अरे तना काटी भरवा दूंगी टेंशन। अरे अपने आश्रम के आगे थोड़े से पेड़ लगा लूंगा। अच्छा हाँ शैया ले गई जिया मेरी पहली नजर ओ शैया ले गई जिया तेरी पहली नजर ओ कैसा जादू किया तूने ओ जादूगर ओ शैया ले गई जिया मेरी पहली नजर ओ शैया ले गई जिया तेरी पहली नजर बोलो मन हृदय में तू पति मान लिया हृदय में तू पति मान लिया बनगी तेरी गोरी। अरे मैं भूखा बंगाली बाबा तू राजा की छोरी अरे मैं भूखा बंगाली बाबा तू राजा की छोरी संत कड़े में जाता है मेरे की कर कह क्यों धूल फेंक रही सूरज पे फेरे की करती मुंह जोरी धूल फेंक रही सूरज पे फेरे की करती मुंह जोरी तेरे हाथ में मेरी डोरी तेरे हाथ में मेरी डोरी पतंग करे ना पाल सिंह बिनर परे का मस्त मलंग करे ना सतरा राज कवार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना सतरा राज पाटी और बहू मिले मने साधु तंग करे ना कोई सतरा राज कवार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना कोई सतरा राज कवार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे ना। भाई जोरदार ताली जोरदार ताली। ओ बालक हे रचा रचा फैली बेटे मार पापा के आने की बहुत अच्छे। अरे हरिया बाग होया करा मातियो सिद्ध पुरुष सियाने की हरिया बाग होया करा सिद्ध परेशान की और सियाल कोट में चर्चा फैली सियाल कोट में चर्चा फैली राम बाबा के आगे की हरिया बाग होया करामात
ओ सिद्ध पुरुष आगे की भला पाग हो कला पातियो सिद्ध पुरुष आने की खुल के भाग हमारे दुनिया के मके हो गया खुल के भाग हमारे हर घोड़े तंगे तम तम में सब न्यू ही कहते जा रहे धन्य भाग इस नगरी के जो बाबा आज पधारे धन्य भाग इस नगरी के जो बाबा आज पधारे सुहाने की हरिया बाग करा बात ये सिद्धपुर सुहाने की ये बात है रही सब चलने की तैयारी रानी बानी मिल के कर रही चलने की तैयारी हेर अगर पड़ोसन चलो सहेली चल बाग हजारी पर हुकमार इंचरा दे रोही जो पड़ी महल में न्यारी हुकमार इंचरा दे रोही जो पड़ी महल में न्यारी सिद्धपुर सियाने की हरिया बाग हुआ करा मात ये सिद्धपुर सियाने की
नगर निवासी खड़े हुए सब ध्यान धर पाया में। नगर निवासी खड़े हुए सब ध्यान धर पाया में। हेरा रहे नगर में दो बाती ठीक रहे नगर में वो बाती जो फसरे मुंह माया में। ब्रजपाल सिंह बिनर पार्टी ध्यान धर पाया में। ब्रजपाल सिंह बिनर पार्टी ध्यान धर पाया में। ब्रजपाल सिंह बिनर पार्टी काची से खड़े की भरिया पाग अकरा मागियो सिद्ध पुरुष जाने की। भरिया पाग अकरा मागियो सिद्ध पुरुष जाने की। जोरदार ताली नाहर जिले बारे में लिखा है। I'm so
बात सुनाई जा रही थी कि भाई हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, तो चाहे उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता, तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता। चरखे से आजादी नहीं आई है, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। और तीसरी कली में तो दादा ने तोड़ पाड़ दिया गति, के लिखा सुनिएगा गोला मार दिया, तो जो वहां के जज थे उन्होंने ये कहा कि तूने ये क्या किया है, तू नहीं जानता है, तूने हमारी असेंबली के अंदर गोला मारा है, बम फेंका है, तुझे फांसी की सजा सुनाई देगी, या तो माफी मांग ले वरना तेरी एक ही सजा है केवल फांसी। तो भगत सिंह का जवाब पता है क्या था, बोले साहब माफी दो प्रकार के लोग मांगते हैं, जो गद्दार होता है या फिर किसी का गुनहगार होता है। ना तो मैं कोई गद्दार हूं, ना तो ये भगत सिंह कोई गद्दार है, और ना ही इस भारत माँ का गुनहगार है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, फिर क्या सजा सुनाई, क्या लिखा चौथी छोरी। के लिए अन्न पैदा करते हो, हमारा भी कम हित में नहीं, हम भी देश के हित में अपनी जान नौछावर कर देते हैं। फौजी भाई कहिए, सारी बात गाने के माध्यम से बताओ। अच्छा, क्या करते हो और हम क्या करते हैं ये तो पता चल जाएगा आगे। कहिए। और हम देश के पीर किसान खेत में,
हेरा हम दिन रात कमावे से। अच्छा हाँ, ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से, तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। और देश के पीर किसान खेत में, देश के पीर किसान खेत में, हम दिन रात कमावे से। ड्यूटी पे तैनात सिपाही किसान भाई। मैं मानता हूं कि आप बॉर्डर पर रक्षा करते हो। हाँ। आपके बिन आप जब रक्षा करते हो तभी हम सुकून से यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पर ये बताएं, हाँ, तुम खेती में क्या क्या चीज लगाते हो? हम हाँ खेती में ये जो दिख रहा पीछे इंडियन पोटास लिमिटेड जी, इसके सहारे से ही हम बहुत ही अच्छी खेती कर पाते हैं। अच्छा हाँ, तो उपज अच्छी होती होगी, अच्छी पैदावार होती है। अच्छा, और बहुत अच्छी फसल होती है। अच्छा हाँ, तो कहिए, मेरी बात सुन लीजिए। होता जय कान हमारा, अन्नदाता भारत।
सुनो आपको मुझे ये बताओ हाँ तुम्हें डाई वगैरह मिल जाती है? वो तो सब कुछ मिलती है लेकिन हम किसकी मदद से? इंडियन पोटास की मदद से मिलती है। अच्छा हाँ तो कहिए। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, फसल में हमारे कोई रोग नहीं आता यदि हम इसका उपयोग करें। अच्छा हाँ बहुत से किसान भाई करते भी नहीं है इसलिए इसका प्रचार भी करते हैं। तो फसलों का रेट भी अच्छा मिलता होगा फिर तुम्हें? बहुत ही सुंदर रेट मिलता है, बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। लेकिन फौजी भाई कहिए एक बात और बता दूं आपको। कौन सी? कि आप मानता हूं बॉर्डर पर ड्यूटी करते हो बिल्कुल, लेकिन हम भी सर्दी और गर्मी नहीं देखते, बारिश पड़ रही हो या धूप पड़ रही हो या सर्दी पड़ रही हो फिर भी हम खेत में काम करते हैं। ठहर जा किसान भाई। हाँ हम फौजी जवान, हम फौजी जवान देश के हित में दिन रात तपस्या भी करते हैं। अच्छा मेहनत करते हैं तब जाके घर परिवार को छोड़ देते हैं, तब हमें सरकार तनख्वाह देती है। भाई फौजी मानता हूँ तुम्हारी तनख्वाह हर महीने आती है, मानता हूँ चाहे सर्दी हो या गर्मी हो तुम्हारी तनख्वाह नहीं रुकेगी, लेकिन हमारी तनख्वाह ये फसल है, यदि बारिश तेज पड़ जाए बाढ़ आ जाए तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अच्छा हम कहाँ से लाएंगे? सरकार मुआवजा देती है तुम्हें? नहीं देती मुआवजा, किसी को मुआवजा नहीं मिलता। अच्छा हाँ कहिए मेरी बात सुनिए। किले पे आजादी का ध्वजा रोज लहरा रहे से देश के वीर किसान खेत में हम दिन रात कमावे से। अरे टूटी पे तहना सिपाही देश की सेवा थावे से, टूटी पे तहना सिपाही देश की सेवा थावे से। जय हिंद जय भारत। जोरदार ताली। तुम्हारी आंखों में आंसू, जिस राजा की मां की आंखों में आंसू हो उस राजा का कोई जीना नहीं होता। हे मां आखिर कौन सी बात तेरे दिल के अंदर लगी है जो कि तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं? तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं आज दुखी क्यों हूँ? हाँ मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? हाँ तो सवाल करो जवाब मैं तुम्हें दूंगी गोपीचंद। सुनिए मेरी बात कहिए। ओ खोल के बता दे माता ओए हे तेरी क्यों आंखों में नीर, तेरी क्यों आंखों में नीर। और काल जा फटे से तेरी माँ तेरी वाणी में। अरे मुंह ते बोल लिकड़ता कोन्या माँ तेरी परेशानी में, मुंह ते बोल लिकड़ता कोन्या माँ तेरी परेशानी में। केतरा ध्यान पहुंच गरी माता,
ते तेरा ध्यान पहुंच गया री माता, बीती हुई कहानी ने और करके याद पुरानी रोई, विधवा हुई जवानी में करके याद पुरानी रोई, विधवा हुई जवानी में। में आंसू आए जा रहे हैं, मैं कारण नहीं समझ पाया। तुम्हें कारण भी बताऊंगी और तुम्हें बात भी बताऊंगी गोपीचंद। अच्छा कहिए अपनी बात सुन। कहिए। अरे जीवन मरण लाभ हानि यस, जीवन मरण लाभ हानि यस, अपियस खेल विधाता के। और अच्छी तरिया जानो बेटा, ये दस्तूरी है दाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा, ये दस्तूर है दाता के। दर्शन करना चारी तू तक के दर्शन करना चारी, आज खास बरतरी भ्राता के। और धर छाती पे धर छाती पे हाथ लाल आ, देश कठिन तेरी माता के। धर छाती पे हाथ लाल आ, देश कठिन तेरी माता के। ओ आज तू सुना दे माता अपने दिल की पीर सारी, अपने दिल की पीर ख्याल रखिए मेरी बात का। ओ खोल के बता दे माता, क्यों आँखों मनीर काए, क्यों आँखों मनीर। आखिर बार बार पूछ रहा हूँ, कौन सा दुख दर्द है? क्या मैं तुम्हें बता दूँ? हाँ। और तुम मेरी बात मानोगे गोपीचंद? एक बार आदेश कर दे, जो तू कहेगी तेरे कहने का पालन होगा। ऐसा ना हो। क्या? ऐसा ना हो कि मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊँ कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ। और तू सुनते ही मना कर दे गोपीचंद। आखिर मैं तेरा बेटा हूँ, और औलाद यदि माँ बाप के कहने को टाल दे तो वो संतान कहलाने के लायक नहीं होती। तो फिर क्या है? मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ गोपी। सुन कहिए। अरे बेखटके ते कह देरी माता, बेखटके से कह देरी माता, तेरा हुक्म बजाना चाहू सो। और तू आफत में पड़ जागा तने, खोल बताना चाहू सो। तेरे तू आफत में पड़ जागा अरे दे आदेश तेरे चरणों में। क्या? दे आदेश तेरे चरणों में, मैं शीश चढ़ाना चाहूँ सो। गोपी चंद गोपी चंद बेटा, मैं तन्ने अमर कराना चाहूँ सो। तेरे गोपी चंद बेटा, ओ
तुझे मिटे ना तेरे का ऐसी खप्पर भरनी माँ मैंने जीवन में नहीं देखी। हे गोपीचंद, मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ। एक बार जोग लेने के बाद मैंने सुना है कि इंसान मरता नहीं है, अमर हो जाता है। तीन कली आप लोगों के बीच में रखी है रागनी, अच्छी लग रही हो तो एक बार हाथ उठा करके तालियों से आशीर्वाद दे दे। जो आता है वो जाता री माता, जानती हूँ जो आता है वो जाता री माता, मत न्या मन बट कहिए तू। और योग साधना करके बेटा अमर शरीर करिए तू। और योग साधना करके बेटा अमर शरीर करिए तू। तेरी बात अचंभव सी ही लागे, तेरी बात अचंभव सी लागे, मन भेद खोल समझिए तू। और मिल जागा हरे राम बैसला कुशक बड़ोली जाइए तू। तेरे मिल जागा हरे राम बैसला कुशक बड़ोली जाइए तू। खुल जागी तकदीर, कवि ये निराला बैसला तेरी माँ।